हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लिपिड के कुछ कैरेक्टर्स और उसके फंक्शन, कार्य और उसका स्रोत के बारे में। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड्स, लिपिड के कुछ गुण के बारे में। फैटी एसिड्स व्हिच आर अनसैचुरेटेड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जैसे कि ऑलिक एसिड, वो कमरे के तापमान में तरल होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, वो कमरे के तापमान में सॉलिड होता है, कठिन होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन बी हाइड्रोजिनेटेड इन प्रेजेंस ऑफ निकेल व्हिच एक्ट एज ए कैटलिस्ट। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और निकेल कैटलिस्ट यूज होगा। कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक, जो कि रिएक्शन को बढ़ावा देता है। वेजिटेबल घी वनस्पति इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ फैटी एसिड। वेजिटेबल घी, जिसको वनस्पति भी कहते हैं, वो बनता है फैटी एसिड के हाइड्रोजनेशन से। व्हेन फैट इज एक्सपोज टू हीट और लाइट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इट ब्रेक्स डाउन टू फैटी एसिड कॉजिंग ए चेंज इन ऑर्डर एंड फ्लेवर एंड द फैट बिकम रैंसिड। जब फैट को बहुत टाइम तक ही गर्मी या रोशनी में रखा जाएगा तो वो टूट के फैटी एसिड बनता है और उसके साथ साथ स्मेल, गंध में और उसका फ्लेवर, स्वाद में भी परिवर्तन होता है। बसा है वो बासी हो जाता है। फंक्शन, फैट्स आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो फैट होता है वो हमको बहुत एनर्जी देता है। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम फैट हमको 9 कैलोरी एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करता है। एनी एक्स्ट्रा और एक्सेस ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट। जो एक्स्ट्रा, जो अधिक एनर्जी है, वो हमारा बॉडी में फैट के फॉर्म में स्टोर होता है। एडिपोज टिश्यू विच कंसिस्ट मेनली ऑफ ट्राइग्लिसराइड इज स्टोर्ड अंडर द स्किन, अराउंड द ऑर्गन एंड इन द एब्डोमिनल कैविटी। बासा ओटक, जिसमें मेनली ट्राइग्लिसराइड होते हैं, वो हमारे त्वचा के नीचे, अंग के चारों तरफ एंड एब्डोमिनल कैविटी में संचय या स्टोर होते हैं। द लेयर ऑफ फैट जस्ट बिलो द स्किन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। द लॉसेस ऑफ बॉडी हीट आर प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ द सबक्यूटानियस लेयर ऑफ फैट। फैट जो चमड़ी या त्वचा के नीचे होते हैं, वो हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन, बनाए रखते हैं। तो चमड़े के नीचे जो फैट होते हैं, बसा होते हैं, वो हमारे बॉडी हीट को लॉस होने से भी बचाते हैं। वाइटल ऑर्गन्स लाइक द किडनीज हैव ए थिन लेयर ऑफ फैट अराउंड देम व्हिच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम शॉक्स एंड फिजिकल इंजरी। शॉक्स एंड फिजिकल इंजरी जीवन जीने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अंग, जैसे कि किडनी, उसके चारों तरफ फैट का एक पतला लेयर होता है जो बचाता है उसको शॉक्स, झटके और शारीरिक चोट से। डाइट रिच इन फैट हैज ए हायर सेडेटिव वैल्यू। आहार जिसमें फैट की मात्रा ज़्यादा हो, वो हमको संतुष्टि प्रदान करता है। सम ऑफ द फैट सोल्यूबल विटामिन्स लाइक ए, डी, ई एंड के नीड फैट फॉर देयर प्रॉपर यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। द बॉडी कैन सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ दीज विटामिन्स इफ एनफ फैट इज नॉट प्रेजेंट इन द डाइट। फैट में घुलनशील होने वाले विटामिन, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के, उनके हमारे बॉडी में उचित उपयोग के लिए फैट की जरूरत है। यदि हमारे आहार में फैट कम है तो हमारा बॉडी में जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, उनकी कमी भी होगी। सोर्सेस ऑफ फैट, फैट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल एज वेल एज एनिमल सोर्सेस। ऐसा होता सब्जियों से भी मिलता है और एनिमल से भी। सबसे पहले वेजिटेबल सोर्सेस, सम सीड्स लाइक मस्टर्ड, सीसम और तिल आर रिच इन ऑयल्स विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देम। नट्स लाइक पीनट, आलमंड ऑल्सो कंटेन फैट। कुछ बीज जैसे कि सरसों, सीसम, तिल, उसमें बहुत मात्रा में ऑयल होते हैं
और इस बीज से हम ऑयल तेल निकालते हैं। मूंगफलियाँ और बादाम में भी फैट होते हैं। एनिमल सोर्सेस मिल्क एग योक एंड एनिमल फैट लाइक बटर स्वेट एंड लैड आर सम ऑफ द फैट ऑफ एनिमल ओरिजिन। मिल्क दूध एग योक अंडे का जो येलो पार्ट है एनिमल फैट जो एनिमल से मिलता है जैसे कि बटर मक्खन स्वेट फैट है जो हमको जो कैटल के मीट सब में मिलता है और लैड जो पीक के फैटी टिश्यू में होते हैं ये सब फैट हमको एनिमल से मिलता है।